सोयाबीन एवं कपास किसानों के संबंध में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कपास एवं सोयाबीन पर हमने पहले कैबिनेट में निर्णय लिया था, लेकिन आचार संहिता के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके अलावा प्रावधान नहीं किया जा सका। अब प्रावधान क्या क्या है, हम ये पैसा कपास और सोयाबीन किसानों को देंगे और दूध किसानों के लिए भी 5,000 रुपए प्रति लीटर का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। त्यांच्या अकाउंटला थेट ते पैसे आम्ही जमा करणार आहोत। हा निर्णय आम्ही कॅबिनेटमध्ये पूर्वीच घेतला होता, परंतु त्यानंतर 3 दिवसात आचारसंहिता लागल्यामुळे आम्हाला सेशन घेता आलं नाही आणि तरतूद करता आली नाही, म्हणून आता सेशन आल्यावर तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि हा पैसा कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक क्षेत्राला आम्ही देतो, दुधाच्या शेतकऱ्यालाही 5 रुपये प्रति लिटर देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला।